अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट? अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो। तुम जल्दी से भाई के लिए खाना गर्म करके लाओ। कहाँ मिली नौकरी? बाबा मुल्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पंजाब का लेटर है। अच्छा, स्कूल जॉब है। अच्छा अच्छा, इतनी दूर तुम मुल्तान कब गए हो? अम्मी दरख्वास्तें तो मैंने बहुत से जगहों पे भेजी थी ना। भाई मेरा डोमिसाइल पंजाब का है ना, उसी को कंसिडर किया होगा। वैसे टीचर की जॉब अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है। बेटा सैलरी क्या है? बाबा 1250 रुपये बेसिक है, होम अलाउंस कन्वेंस अलाउंस मुल्तान से कहीं आगे। नहीं भाई नहीं, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। तुम इंतजार कर सकते हो, और फिर फारूकी साहब ने अरे कुछ नहीं करेंगे फारूकी साहब। अरे करेंगे कैसे नहीं, आपने भी तो हजारों काम किए थे ना उनके। मैं सिर्फ फाड़ के फेंक दो इसे, ला मुझे दो। क्या कर रही है अम्मी, बेरोजगार होने से तो बेहतर है ना, और जो घर से इतनी दूर रहोगे तो। अरे इस्मत इस्मत, बच्चे घर से दूर रहकर भी कमाते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, ज्वाइन करने दो इसे, बाद में ट्रांसफर भी करा सकता है। नहीं बस, मैंने कह दिया ना तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे इतनी बड़ी कराची में तुम्हें मुलाजमत नहीं मिलेगी क्या? और फिर वो फारूकी साहब। फारूकी साहब, फारूकी साहब, अरे फारूकी साहब, आप लोग क्या चाहते हैं मैं खुदकुशी कर लूं? दिन रात सोच सोच के पागल हो रहा हूं मैं, इस बात का एहसास है आपको? 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी टांगे टूट गई दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते। लोगों के आके नौकरी की भीख मांगता हूं कि भाई नौकरी दे दो, कोई दरखास्त खोल के देखता तक नहीं है। झूठ बोलते हैं सब, झूठे हैं वो झूठ जो आहिस्ता आहिस्ता सैप बन के मुझे मार रहा है अंदर से। तो ना चाहो मर जाओ भाई। भाई ऐसी बातें लग रही है भाई। अम्मी मुल्तान इतनी दूर नहीं है, और अब्बू ने कह दिया ना कि ट्रांसफर करा लेंगे। ठीक है बेटा, तुम जाने की तैयारी करो, घर आई नौकरी को लात मारना ना शुक्रिया। जाओ जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़।